हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे टेलीस्कोप्स के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, दैट इज रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप। रिफ्रैक्टिंग, REFRAC, रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप। उसके बाद हम लोग देखेंगे रिफ्लैक्टिंग टेलीस्कोप। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप। स्टूडेंट्स, टेलीस्कोप से हम लोग देखते किसको है? ठीक है, तो आज जो हम लोग पढ़ेंगे स्टूडेंट्स एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, उससे हम लोग हेवनली बॉडीज देखते हैं, जैसे कि स्टार्स, मून एसेट्रा, प्लैनेट्स। समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स? तो आपके दिमाग में ये आ सकता है कि स्टार या मून, ये तो ऑलरेडी बहुत ह्यूज ऑब्जेक्ट है, ह्यूज साइज का ऑब्जेक्ट है, तो इसको क्यों बड़ा करना पड़ता है? तो स्टूडेंट्स, यहां पे क्या होता है, यस, स्टार्स एंड मून्स आर ह्यूज साइज ऑब्जेक्ट्स, बट हम लोगों के आंखों में जो विजुअल एंगल फॉर्म होता है ना स्टूडेंट्स, विजुअल एंगल मैंने लास्ट क्लास एक्सप्लेन किया था, तो क्या कह रहा था, स्टार्स या मून्स ये बहुत ही बड़ा बड़ा ऑब्जेक्ट है, लेकिन हम लोग के आंखों में जो विजुअल एंगल फॉर्म होता है वो विजुअल एंगल बहुत ही छोटा फॉर्म होता है। ठीक है, वो विजुअल एंगल बहुत ही छोटा फॉर्म होता है। समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स? क्लियर। बट जैसे ही टेलीस्कोप का यूज हम लोग करते हैं, टेलीस्कोप बेसिकली विजुअल एंगल को बढ़ाता है। ठीक है, टेलीस्कोप विजुअल एंगल बढ़ाता है। समझ में आ रहा है? और विजुअल एंगल अगर बढ़ाएगा तो हम लोगों को ऑब्जेक्ट बड़ा दिखेगा और क्लियरली दिखेगा। समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स? आया? तो विजुअल एंगल छोटा होता है स्टार्स का, और टेलीस्कोप क्या करता है, विजुअल एंगल बढ़ाता है। विजुअल एंगल छोटा तो इमेज छोटा, ठीक है, जो हम लोग को दिखेगा वो छोटा होगा, और विजुअल एंगल बड़ा तो इमेज बड़ा, हम लोग को बड़ा दिखेगा, क्लियर दिखेगा, डिस्टिंक्ट दिखेगा। समझ में आया स्टूडेंट्स? आया? तो शुरू करते हैं। ये हो गया, आप यहां पे लिख सकते हो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। ठीक है, ठीक है, ब्रैकेट में आप लिख सकते हो रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप, रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप। ठीक है स्टूडेंट्स, अभी ध्यान देते रहना स्टूडेंट्स। ये है हम लोगों का ऑब्जेक्टिव लेंस, दिस लेंस इज ऑब्जेक्टिव लेंस। ऑब्वियसली मैंने यहां पे ऑब्जेक्ट को दिखाया नहीं, आप दिखाना चाहो दिखा सकते हो, लेकिन नहीं दिखाने से भी होगा, बिकॉज ऑब्जेक्ट तो बहुत दूर है ना स्टूडेंट्स। ऑब्जेक्ट तो हम लोग नहीं दिखाना ही अच्छा रहता है, क्योंकि ऑब्जेक्ट मून हो सकता है, स्टार हो सकता है, तो ऑब्जेक्ट हम लोग कैसे दिखाएंगे फिगर में? ठीक है ना, फिर भी आप ऐसे थोड़ा दिखा सकते हो। ठीक है, सो दिस इज डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, या आप बोल सकते हो ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी। ठीक है, इसके लाइन के साथ जोड़ना नहीं है स्टूडेंट्स, इसका मतलब ये हो जाएगा कि ऑब्जेक्ट यहां पे पास है, लेकिन ऑब्जेक्ट तो मून है, स्टार है, वो तो बहुत दूर है, राइट? क्लियर। नेक्स्ट, कंसेंट्रेट स्टूडेंट्स, दिस इज ऑब्जेक्टिव लेंस। ठीक है, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट की ओर फेस किया हुआ है, दिस इज ऑब्जेक्टिव लेंस। इसका अपर्चर, इसका अपर्चर काफी बड़ा होता है स्टूडेंट्स, इसका अपर्चर काफी बड़ा होता है। अभी अपर्चर बड़ा इसलिए होता है, अपर्चर बड़ा इसलिए होता है जिससे कि ज्यादा से लाइट, ज्यादा से ज्यादा लाइट एंटर हो पाए। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा लाइट ऑब्जेक्ट से ज्यादा लाइट एंटर हो पाए। ज्यादा से ज्यादा लाइट एंटर होगा तो इमेज जो है वो ब्राइटर बनेगा। समझ में आया स्टूडेंट्स? आया? नेक्स्ट, इसका फोकल लेंथ ज्यादा होता है, एंड दिस लेंस इज आईपीस, क्योंकि ये आई की ओर फेस किया हुआ है, इसका फोकल लेंथ इससे काफी छोटा होता है। ठीक है, दिस इज ऑब्जेक्टिव फेसिंग ऑब्जेक्ट, दिस इज आईपीस लेंस फेसिंग आई, अपर्चर, अपर्चर ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस इज क्वाइट लार्ज, एंड फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस इज ग्रेटर देन फोकल लेंथ ऑफ आईपीस। अभी फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस ग्रेटर देन फोकल लेंथ ऑफ आईपीस होने से क्या होगा, वो हम लोग एंड में देखेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स? ठीक है, नेक्स्ट शुरू करता है।
तो केस नंबर वन स्टूडेंट्स, आप लोगों का सिंपल माइक्रोस्कोप क्लियर होना चाहिए। अगर आपका सिंपल माइक्रोस्कोप क्या है क्लियर है तो उसका हेल्प आपको यहाँ पे भी मिलेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखते हैं केस वन। ठीक है, तो स्टूडेंट्स केस वन क्या है आपको लिखना है। व्हेन द फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंग्विशन। ठीक है, मैं और नहीं लिख रहा हूं, आप लोग लिख लीजिए। व्हेन द फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। ठीक है, ठीक है, तो देखिए अभी रे डायग्राम देखते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट, डिस्टेंट ऑब्जेक्ट से आ रहा है, दूर से आ रहा है, मून से आ रहा है, तो कैसा रहेगा स्टूडेंट्स? पैरेलल रेज आया। कैसा रे आया? पैरेलल रेज आया। ठीक है, यहां पे आप चाहो तो लिख सकते हो पैरेलल रेज फ्रॉम डिस्टेंट ऑब्जेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट, पैरेलल रेज आया, ये तो ऑप्टिकल सेंटर से जा रहा है, ये आके कन्वर्ज हुआ यहां पे। ठीक है, एकदम स्टेप बाय स्टेप फ्रेंड्स। इस लेंस का ये है फोकस, ये ऑब्जेक्टिव है ना, ये ऑब्जेक्टिव है इसलिए लिखा एफ ओ, इस लेंस का ऑब्जेक्टिव का फोकस। ठीक है, तो पैरेलल रेज आके कहां पे इमेज फॉर्म हुआ? फोकल प्लेन पे, फोकल प्लेन पे, दिस प्लेन इज फोकल प्लेन। अब आपका शायद क्लियर ना हो कि फोकल प्लेन क्या है, तो स्टूडेंट्स यहां पे देखिए, इफ दिस इज फोकस, ठीक है, तो फोकस से जो प्लेन जाता है और इस एक्सिस के जो परपेंडिकुलर जाता है, द प्लेन पासिंग थ्रू फोकस एंड परपेंडिकुलर टू दिस एक्सिस, और एक बार, द प्लेन पासिंग थ्रू फोकस एंड परपेंडिकुलर टू द एक्सिस, दैट मीन्स दिस प्लेन, इस प्लेन को कहते हैं फोकल प्लेन, इस प्लेन को कहते हैं स्टूडेंट्स फोकल प्लेन। तो इमेज कहां पे फॉर्म हुआ? फोकल प्लेन पे फॉर्म हुआ। किसका फोकल प्लेन? ऑब्जेक्टिव का फोकल प्लेन। इमेज फोकल प्लेन पे क्यों फॉर्म हुआ? बिकॉज पैरेलल रेज आया। क्लियर स्टूडेंट्स? क्लियर, कोई प्रॉब्लम यहां तक? नो। नाउ स्टूडेंट्स, दिस लेंस सिंपल माइक्रोस्कोप में जो था उसके जैसा ही बिहेव कर रहा है। ठीक है, दिस लेंस इज बिहेविंग लाइक सिंपल माइक्रोस्कोप लेंस। ठीक है स्टूडेंट्स, तो वहां पे अगर आपका क्लियर है तो ये बहुत जल्दी क्लियर हो जाएगा। ठीक है ना, तो स्टूडेंट्स ऑब्जेक्टिव ने कैसा इमेज फॉर्म किया? इन्वर्टेड एंड डिमिनिश्ड, बहुत ही छोटा, बहुत ही छोटा, समझ में आ रहा है? इन्वर्टेड एंड डिमिनिश्ड, बहुत ही छोटा। ठीक है, एंड ऑब्वियसली रियल। ठीक है, नेक्स्ट ध्यान देना है स्टूडेंट्स, तो अगर आपको एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन में इमेज, फाइनल इमेज फॉर्म करवाना है, तो इसका जो ऑब्जेक्ट है, इसके लिए तो ये ऑब्जेक्ट हुआ, ठीक है ना, वो इसके फोकस के अंदर होना पड़ेगा, इसके फोकस के अंदर होना पड़ेगा, जो कि है। क्लियर स्टूडेंट्स? क्लियर। नेक्स्ट, यहां से एक पैरेलल रे गया जो कि इसके फोकस से जाएगा, ठीक है, और एक रे गया जो ऑप्टिकल सेंटर से जा रहा है। ठीक है, ये दोनों मीट नहीं करेगा, इसको खींचेंगे, यहां पे मीट किया। ठीक है, दिस इज द फाइनल इमेज जिसने काफी बड़ा, आप लोग तो यहां से देखेंगे ना स्टूडेंट्स, देख सकते हो आप, मैंने आई ड्रॉ किया हुआ है, तो आप देख सकते हो इसने काफी बड़ा विजुअल एंगल फॉर्म किया। दिस इज द विजुअल एंगल, दिस इज द विजुअल एंगल जिसको हम लोग लिखेंगे, इसको हम लोग लिखेंगे बीटा। ठीक है स्टूडेंट, तो काफी बड़ा विजुअल एंगल फॉर्म किया, तो आपका जो रेटिना में इमेज फॉर्म होगा वो काफी बड़ा होगा। ठीक है, यस, ऑब्जेक्ट भी काफी बड़ा है, लेकिन स्टूडेंट्स ऑब्जेक्ट बहुत दूर है तो विजुअल एंगल बहुत छोटा होता है। हम लोग के आंखों में जो विजुअल एंगल आता है डिस्टेंट ऑब्जेक्ट का, स्टार का, मून का, वो बहुत छोटा होता है, इसलिए हम लोग को छोटा दिखता है, समझ में आया? तो टेलीस्कोप ने किया क्या? टेलीस्कोप ने विजुअल एंगल बढ़ाया। ठीक है, दिस इज द फाइनल इमेज एंड दिस इज द विजुअल एंगल बीटा। कोई प्रॉब्लम स्टूडेंट्स यहां तक कोई प्रॉब्लम? नो। नेक्स्ट, ऑब्जेक्ट का विजुअल एंगल कौन सा स्टूडेंट्स? ऑब्जेक्ट का मतलब जो मून का विजुअल एंगल है या स्टार का विजुअल एंगल है, इट इज दिस, इसको
इसको डिनोट करते हैं अल्फा से. सो स्टूडेंट्स, दिस एंगल इज विजुअल एंगल. दिस एंगल इज विजुअल एंगल. अभी आपके दिमाग में क्वेश्चन आ सकता है कि विजुअल एंगल तो आई में फॉर्म होता है, ये तो आई नहीं है, ये तो ऑब्जेक्टिव है, तो कैसे ये विजुअल एंगल हो गया. तो स्टूडेंट्स, आपको ये बात समझना पड़ेगा, आपको ये बात समझना पड़ेगा कि आप किसको देख रहे हो, मून को, जो कि बहुत ही दूर है, बहुत ही दूर है. सो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, समझ में आ रहा है फ्रेंड्स, सो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट. तो मून इस लेंस पे जो एंगल फॉर्म करेगा, इस लेंस पे भी उतना ही एंगल फॉर्म करेगा. समझ में आ रहा है फ्रेंड्स. फॉर एग्जांपल, आप घर से मून को देख रहे हो, ठीक है, और एक दूसरे जगहों पे जाके, किसी पार्क में जाके या स्कूल में जाके आप मून को देख रहे हो. ऑब्वियसली दिन में नहीं दिखेगा मून, तो इवनिंग का ही बात कर रहा हूं. आपके घर से आप एक बार मून को देख रहे हो और उसके बाद किसी पार्क में जाके या थोड़ा दूर जाके आप मून को देख रहे हो, तो क्या अलग अलग एंगल फॉर्म करेगा? आंसर इज नो. व्हाई? व्हाई? बिकॉज मून बहुत ही दूर है, बहुत ही दूर है. तो यहां पे जो एंगल फॉर्म कर रहा है अल्फा, उसी को हम लोग विजुअल एंगल ले सकते हैं, बिकॉज मून इज अ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट. ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक है. नेक्स्ट, इफ दिस एंगल इज अल्फा स्टूडेंट्स, देन ऑब्वियसली दिस एंगल इज ऑल्सो अल्फा, राइट? कोई प्रॉब्लम? नो, बिल्कुल नहीं. सो ध्यान देना है स्टूडेंट्स, ध्यान देना है. अभी हम लोग लिखेंगे मैग्नीफाइंग पावर. आप लोग लिख लीजिए मैग्नीफाइंग पावर, कॉमा एम इक्वल्स टू, यहां पे लिखोगे आप विजुअल एंगल फॉर्म बाय इमेज. ठीक है, विजुअल एंगल फॉर्म बाय इमेज, फाइनल इमेज बाय विजुअल एंगल फॉर्म बाय ऑब्जेक्ट. ठीक है, ठीक है. नेक्स्ट, तो ये हो गया बीटा. इमेज ने कितना एंगल फॉर्म किया? बीटा. एंड ऑब्जेक्ट ने कितना एंगल फॉर्म किया? अल्फा. ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक है. कोई प्रॉब्लम? नो. नेक्स्ट, नेक्स्ट बीटा के जगह पे हम लोग लिख सकते हैं टेन बीटा. ठीक है, कोई प्रॉब्लम? नो. एंड अल्फा के जगह पे हम लोग लिख सकते हैं टेन अल्फा, क्योंकि ये अल्फा एंड बीटा ये सब छोटा छोटा एंगल होगा. ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं. इम्प्लाइज एम इक्वल्स टू, कंसेंट्रेट फ्रेंड्स, कंसेंट्रेट. टेन बीटा, टेन बीटा फॉर्म तो इसने किया, लेकिन ट्राइंगल तो हम लोग ये ले ही सकते. यस और नो? यस फ्रेंड्स, कोई प्रॉब्लम? नो. सो टेन बीटा क्या होगा स्टूडेंट्स, यहां पे देखिए क्या होगा. इसका नाम हम लोग दे देते हैं ए, या ए डैश बी डैश दे देते हैं. ठीक है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम? नो. सो टेन बीटा, प्लीज कॉन्सेंट्रेट स्टूडेंट्स, टेन बीटा. ठीक है, क्या लिख सकते हैं हम लोग? ए डैश बी डैश बाय दिस, ए डैश बी डैश बाय दिस. लेकिन ये तो आईपीएस के लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हुआ, तो आईपीस के लिए, आईपीस लेंस के लिए तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हुआ. लिखेंगे ए डैश बी डैश बाय ऑब्जेक्ट डिस्टेंस विथ रिस्पेक्ट टू आईपीस. ठीक है. नेक्स्ट टेन अल्फा, टेन अल्फा के लिए हम लोग ये वाला ट्राइंगल यूज कर सकते हैं. ठीक है, कोई प्रॉब्लम? नो. सो टेन अल्फा क्या होगा स्टूडेंट्स? ए डैश बी डैश, ये वाला ट्राइंगल. सो परपेंडिकुलर और ये बेस. सो ए डैश बी डैश बाय दिस, दिस. लेकिन आप ध्यान दोगे ये फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव है, तो ये सॉरी ये फोकस ऑफ ऑब्जेक्टिव है, तो ये क्या हुआ? फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव. ठीक है ना, तो यहां पे आप लिख सकते हो ऐसे, ऐसे. कोई प्रॉब्लम स्टूडेंट्स? नहीं. इम्प्लाइज मैग्नीफाइंग पावर मेरा निकल के आया फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव बाई ऑब्जेक्ट डिस्टेंस विथ रिस्पेक्ट टू आईपीस. कोई प्रॉब्लम? बिल्कुल नहीं. ठीक है ना स्टूडेंट्स, यहां तक
कोई प्रॉब्लम है? नो, इसको थोड़ा और स्टैंडर्ड बनाएंगे अभी हम लोग, इसको स्टैंडर्ड बनाएंगे। सो हम लोग लगाएंगे लैंस फॉर्मूला। सो लैंस फॉर्मूला किसके लिए? आईपीएस के लिए, ठीक है? ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए आईपीएस के लिए यह है ऑब्जेक्ट और यह है इमेज। आईपीएस के लिए यह है ऑब्जेक्ट और यह है इमेज, कोई प्रॉब्लम? एंड फोकल लेंथ ऑफ आईपीएस एफ सफिक्स ई लिखेंगे, एफ ई लिखेंगे, समझ में आ रहा है ना? तो ध्यान देना स्टूडेंट्स, इंसिडेंट रे राइट है, इंसिडेंट रे राइट है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मेजर करने के लिए लेफ्ट आना पड़ रहा है, इमेज डिस्टेंस मेजर करने के लिए भी लेफ्ट आना पड़ रहा है। तो ध्यान दीजिए, फॉर ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव नहीं सॉरी, इस लेंस के लिए ना, सो फॉर आईपीस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या लिखेंगे आप? माइनस यूई, क्योंकि यहां से मेजर करेंगे तो इंसिडेंट रे के ऑपोजिट, इंसिडेंट रे इस ओर है, यहां से मेजर करोगे आप ऑप्टिकल सेंटर से तो लेफ्ट आना पड़ रहा है और इंसिडेंट रे टुवर्ड्स राइट। देन इमेज डिस्टेंस क्या लिखोगे? दिस द इमेज, कहां पे फॉर्म हुआ? केस वन पढ़ रहे हैं हम लोग, फाइनल इमेज इज फॉर्म दैट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंग्विशन, तो यहां से यहां तक इमेज डिस्टेंस, ठीक है ना? यहां से यहां तक कितना स्टूडेंट्स? डी 25 सेंटीमीटर, समझ में आ रहा है? कितना कैसे बिठाएंगे, प्लस डी या माइनस डी? माइनस डी, ठीक है? यहां से मेजर करोगे तो लेफ्ट की ओर आना पड़ेगा, इंसिडेंट रे राइट की ओर है, ठीक है स्टूडेंट्स? कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम? नो। सो ध्यान देना है, वन बाय वी माइनस वन बाय यू, ठीक है, इक्वल्स टू वन बाय एफ, ठीक है स्टूडेंट्स? कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम? नो। इम्प्लाइज, ध्यान देना है, माइनस माइनस हो गया प्लस, तो वन बाय यूई इक्वल्स टू वन बाय एफ ई, ये टर्म उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, ये टर्म उधर गया तो प्लस हो गया, कोई प्रॉब्लम स्टूडेंट्स? कोई प्रॉब्लम? नेक्स्ट, यहां से वन बाय एफ ई को हम लोग कॉमन लेंगे, तो वन बाय एफ ई से वन बाय एफ ई कॉमन लिया तो यहां पे रहेगा वन, और यहां पे तो वन बाय एफ ई था नहीं, फिर भी वन बाय एफ ई कॉमन लिया तो एफ ई से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है? तो वन बाय एफ ई जैसे जाके इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, एफ ई एफ ई कैंसिल, ये बन जाएगा वन बाय डी, ठीक है? यहां तक कोई प्रॉब्लम स्टूडेंट्स? नो नो। सो देयरफॉर मैग्नीफाइंग पावर बिकम्स इक्वल टू एफ नॉट के जगह पे, मतलब फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव, फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव के जगह पे ऐसा रखेंगे और वन बाय यूई की जगह पे हम लोग ये लिखेंगे, कोई प्रॉब्लम स्टूडेंट्स? वन बाय यूई के जगह पे ये लिखेंगे, ठीक है? तो वन बाय यूई, वन बाय यूई के जगह पे ये लिखेंगे, तो ये रहेगा नीचे वन प्लस फोकल लेंथ ऑफ आईपीस बाय डी, क्लियर? क्लियर? यहां से स्टूडेंट्स क्लियरली दिख रहा है, यहां से स्टूडेंट्स क्लियरली दिख रहा है कि फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव ज्यादा होना चाहिए और फोकल लेंथ ऑफ आईपीस कम होना चाहिए, फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव ज्यादा होना चाहिए और फोकल लेंथ ऑफ आईपीस कम होना चाहिए जिससे कि मैग्नीफाइंग पावर ज्यादा हो, क्लियर स्टूडेंट्स? स्टूडेंट्स अभी हम लोग देखेंगे केस टू, ठीक है? When the final image is formed at infinity, when the final image is formed at infinity, ये आप लोग लिख लीजिए यहां पर, ठीक है स्टूडेंट्स? ठीक है, तो स्टूडेंट्स आपका सिंपल माइक्रोस्कोप क्लियर होगा ऑब्वियसली, ठीक है ना? तो जब फाइनल इमेज इन्फिनिटी में फॉर्म करवाना है तो मैंने तो बोला ही है कि दिस इज बिहेविंग लाइक अ सिंपल माइक्रोस्कोप, ठीक है ना? दिस लेंस इज बिहेविंग लाइक अ सिंपल माइक्रोस्कोप, ठीक है? तो इसका ऑब्जेक्ट कहां पे होना चाहिए? इसके फोकस पे, ठीक है? लास्ट केस में था इसका ऑब्जेक्ट इसके फोकस के अंदर था, अभी क्या होगा? इसका ऑब्जेक्ट इसके फोकस पे, समझ में आया स्टूडेंट्स? सिंपल माइक्रोस्कोप प्लीज क्लियर होना चाहिए, ठीक है?
स्टूडेंट्स एक बार स्टार्टिंग से देख लेते हैं, डिस्टेंट ऑब्जेक्ट से पैरेलल रे आ रहा है, पैरेलल रे आके यहां पे कन्वर्ज हुआ तो इमेज फॉर्म हुआ कहां पे, इसके इसके फोकल प्लेन पे, ठीक है ना। यह है FO, मतलब इसका फोकस, ठीक है। टेलीस्कोप में एडजस्टमेंट करेंगे जिससे कि इसका जो इमेज है, ऑब्जेक्टिव का जो इमेज है, इसके फोकस पे आए, इसका जो इमेज है इसके फोकस पे आए, जिससे कि फाइनल इमेज कहां पे फॉर्म हो, इन्फिनिटी। समझ में आया स्टूडेंट्स? आया कोई प्रॉब्लम? नो ना। प्लीज ध्यान दीजिए, ये जो पॉइंट है इसका फोकस है, ऑब्वियसली पैरेलल रे आ रहा है, ठीक है ना, और एडजस्टमेंट किया गया जिससे कि ये इसके फोकस पे हो। तो ये पॉइंट इसका फोकस है और इसका भी फोकस है। कोई प्रॉब्लम स्टूडेंट्स? ये आता है कोई प्रॉब्लम? नो। तो यहां से यहां तक, यहां से ऑब्जेक्टिव का फोकस, ऑब्जेक्टिव का फोकल लेंथ, ठीक है, और आईपीस से आईपीस का फोकस तक आईपीस का फोकल लेंथ। कोई प्रॉब्लम स्टूडेंट्स? नो। तो बहुत इजी है। सो मैग्नीफाइंग पावर का जो डेफिनेशन पहले था वही है, एग्जैक्टली वही है। सो इट इज बीटा बाई अल्फा, अल्फा बीटा ये सब एंगल बहुत ही छोटे छोटे एंगल होगा। सो बीटा के जगह पे लिखा 10 बीटा, अल्फा के जगह पे लिखा 10 अल्फा, ठीक है ना स्टूडेंट्स। नेक्स्ट इम्प्लाइज एम इक्वल्स टू 10 बीटा। बीटा तो फॉर्म किया, ध्यान देना स्टूडेंट्स, बीटा तो फॉर्म किया इमेज एट इन्फिनिटी। ये इमेज समझ में आ रहा है कि नहीं? इमेज तो इधर है ना, दूर है। तो इमेज ने फॉर्म किया बीटा, इमेज ने फॉर्म किया बीटा, लेकिन 10 बीटा यूज करने के लिए 10 बीटा हम लोग इस ट्राइंगल से भी लिख सकते हैं, यस और नो? 10 बीटा हम लोग इस ट्राइंगल से भी लिख सकते हैं। सो इट इज ए डैश बी डैश बाय दिस विच इज फोकल लेंथ ऑफ आईपीस। कोई प्रॉब्लम? नो। नेक्स्ट 10 अल्फा फॉर्म तो अल्फा यहां पे हुआ, लेकिन हम लोग 10 अल्फा इस ट्राइंगल को यूज कर सकते हैं 10 अल्फा निकालने के लिए, ठीक है ना। सो 10 अल्फा क्या होगा स्टूडेंट्स? ए डैश बी डैश बाय दिस, दिस इज फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव, ठीक है ना। सो ए डैश बी डैश बाय फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव, ठीक है। सो इम्प्लाइज एम इक्वल्स टू फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव बाय फोकल लेंथ ऑफ आईपीस। तो यहां से भी आप क्लियरली देख सकते हो स्टूडेंट्स कि फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव शुड बी ग्रेटर देन फोकल लेंथ ऑफ आईपीस टू हैव ग्रेटर मैग्नीफाइंग पावर। समझ में आया होगा? अगर मैग्नीफाइंग पावर आपको अगर ज्यादा चाहिए तो ऑब्जेक्टिव का फोकल लेंथ ज्यादा होना पड़ेगा और आईपीस का फोकल लेंथ कम होना पड़ेगा, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप, ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर? स्टूडेंट्स अभी हम लोग ब्रीफली ये डिस्कस करेंगे कि रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप जो अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा, उसको उसमें मतलब क्या क्या डिफिकल्टीज फेस करना पड़ता है या उसमें क्या क्या लिमिटेशंस है, ठीक है स्टूडेंट्स। सो ध्यान देना है। तो स्टूडेंट्स आप लोगों को याद है कि हम लोगों ने ऑब्जेक्टिव लेंस जो लिया था वो काफी बड़ा अपर्चर का लिया था, वो इसलिए लिया था जिससे कि ज्यादा से ज्यादा रे अंदर आ पाए फ्रॉम द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, जिससे कि एक ब्राइट इमेज फॉर्म हो। नाउ स्टूडेंट्स अगर अपर्चर अगर बड़ा होगा, लेंस अगर बहुत बड़ा होगा, तो स्टूडेंट्स वो बहुत हेवी भी होगा और उसको सपोर्ट करना भी थोड़ा मुश्किल होगा, ठीक है। लेंस का अपर्चर क्यों बड़ा रखना पड़ेगा वो मैंने बोला, लेकिन लेंस अगर अपर्चर बड़ा होगा तो लेंस का साइज बड़ा होगा बेसिकली, तो वो काफी हेवी होगा, उसको सपोर्ट करना मुश्किल होगा। नेक्स्ट पॉइंट, इतना बड़ा लेंस
बनाना काफी एक्सपेंसिव भी होगा स्टूडेंट्स, ठीक है, इतना बड़ा लेंस बनाना काफी एक्सपेंसिव भी होगा। नेक्स्ट, इमेज जो होता है स्टूडेंट्स, इसमें इमेज जो होता है वो ब्लर्ड होता है। अब बोलोगे क्यों क्यों स्टूडेंट्स, तो दो तरीके का डिफेक्ट है, एक है स्फेरिकल एबरेशन, और दूसरे तरीके का एक डिफेक्ट है, उसको कहते हैं इमेज में डिफेक्ट्स, उसको कहते हैं क्रोमेटिक एबरेशन। तो स्फेरिकल एबरेशन और क्रोमेटिक एबरेशन में ब्रीफली आपको बोल देता हूं स्टूडेंट्स, तो हम लोगों ने जो स्टूडेंट्स रेज लिया अभी तक, हम लोगों ने मेंशन किया या नहीं किया, हमेशा पैरेक्सियल रेज लिया। कैसा रेज लिया स्टूडेंट्स? पैरेक्सियल रेज, ठीक है, पैरेक्सियल रेज मतलब एक्सिस के बहुत ही पास पास, एक्सिस के बहुत ही पास पास, ठीक है। पैरेक्सियल रेज मान लीजिए यहां से पास हो रहा है आफ्टर रिफ्रेक्शन, ठीक है, कोई प्रॉब्लम स्टूडेंट्स? नो। लेकिन ये जो रेज है, दीज आर कॉल्ड मार्जिनल रेज, दीज आर कॉल्ड मार्जिनल रेज, ठीक है स्टूडेंट्स। मार्जिनल रेज सेम पॉइंट पे कन्वर्ज नहीं होता है, सेम पॉइंट पे कन्वर्ज नहीं होता है। मार्जिनल रेज कुछ ऐसे कन्वर्ज होगा, ठीक है, यहां पे मार्जिनल रेज कन्वर्ज हुआ, मार्जिनल रेज मतलब जो एक्सिस से थोड़ा दूर दूर, और यहां पे पैरेक्सियल रेज जो एक्सिस के पास पास है वो वहां पे कन्वर्ज हुआ, ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक है। इसलिए हम लोगों ने बार बार क्या बोला, पैरेक्सियल रेज, पैरेक्सियल रेज, पैरेक्सियल रेज, ठीक है। तो इसको कहते हैं, इससे क्या होगा स्टूडेंट, जो इमेज फॉर्म होता है वो मतलब ब्लर्ड होगा, ठीक है, आपको मतलब क्लियरली नहीं दिखेगा, ब्लर्ड दिखेगा, क्योंकि अलग अलग पॉइंट पे कन्वर्ज हो रहा है रेज, ठीक है। पैरेक्सियल रेज एक पॉइंट पे कन्वर्ज हो रहा है, और क्या कहते हैं मार्जिनल रेज दूसरा पॉइंट पे कन्वर्ज हो रहा है, पैरेक्सियल रेज इस पॉइंट पे कन्वर्ज हो रहा है, और मार्जिनल रेज मान लीजिए यहां पे कन्वर्ज हो रहा है। समझ में आ रहा है फ्रेंड्स? आ रहा है। तो इसको कहते हैं स्फेरिकल एबरेशन, स्फेरिकल एबरेशन, ठीक है, जो कि रिफ्रेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप में देखा जाएगा। इट इज अ डिफेक्ट इन इमेज, ठीक है। स्फेरिकल एबरेशन या क्रोमेटिक एबरेशन क्या है? यह डिफेक्ट इन इमेज है, ठीक है, जो कि इसमें देखा जाएगा। आप बोलोगे क्यों देखा जाएगा इसमें? तो स्टूडेंट्स एपर्चर बहुत बड़ा है, एपर्चर बहुत बड़ा है, ठीक है, तो रेज तो सिर्फ पैरेक्सियल नहीं आएगा, डिस्टेंट ऑब्जेक्ट से आएगा, पैरेक्सियल तो नहीं आएगा, मार्जिनल भी आएगा, तो अलग अलग पॉइंट पे कन्वर्ज होगा। समझ में आ रहा है? पैरेक्सियल रेज का इमेज और क्या कहते हैं मार्जिनल रेज का इमेज अलग अलग पॉइंट पे फॉर्म होगा, सो द फाइनल इमेज विल बी ब्लर्ड। समझ में आया स्टूडेंट्स? ठीक है, सो दैट इज स्फेरिकल एबरेशन। अभी हम लोग बात करेंगे क्रोमेटिक एबरेशन का। स्टूडेंट्स और एक चीज मैं बोलना चाहूंगा, स्फेरिकल एबरेशन सिर्फ लेंस पे नहीं होता है, ये मिरर पे भी होता है, ये मिरर पे भी होता है। थोड़ा दिखा देता हूं। सो दिस इज अ कनकेव मिरर, आपको पता है स्टूडेंट्स, दिस इज कनकेव मिरर एंड दिस इज कन्वेक्स मिरर, राइट। सो स्टूडेंट्स यहां पे देखिए, यहां पे देखिए, ये आ रहा है मान लेते हैं पैरेक्सियल रेज, ठीक है, यहां पे कन्वर्ज हुआ, ठीक है, और अभी ले लेते हैं हम लोग क्या कहते हैं मार्जिनल रेज। तो स्टूडेंट सेम पॉइंट पे, सेम पॉइंट से पास नहीं होगा, ये मान लीजिए यहां से पास हो रहा है, ठीक है। तो स्फेरिकल एबरेशन जो डिफेक्ट है वो लेंस और मिरर दोनों में होता है, ठीक है, इसीलिए हम लोग बार बार कहते हैं, या अगर मेंशन नहीं भी करते तो हम लोग पैरेक्सियल रेज ही लेते हैं, पैरेक्सियल रेज ही लेते हैं, और कम एपर्चर वाला लेंस ही बोलते हैं, मतलब कुछ अगर नहीं मेंशन किया तो पैरेक्सियल रेज और लेंस का एपर्चर कम, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट बात करते हैं क्रोमेटिक एबरेशन का, क्रोमेटिक एबरेशन का। सो ध्यान देना स्टूडेंट्स, हम लोग को पता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है
वो वेवलेंथ पर डिपेंड करता है, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वेवलेंथ पर डिपेंड करता है, ठीक है। अभी मान लीजिए कहीं पे कहीं से व्हाइट कलर आ रहा है, ठीक है, कहीं से व्हाइट कलर आ रहा है, ऑब्जेक्ट से व्हाइट कलर आ रहा है, तो स्टूडेंट्स वी नो दैट, ये मैंने प्रिज्म पे भी बात किया था कि व्हाइट कलर जो है उसमें सिंगल वेवलेंथ नहीं होता स्टूडेंट्स, उसमें बेसिकली 7 कलर्स होता है अलग अलग वेवलेंथ का, ठीक है, उसमें अलग अलग वेवलेंथ का लाइट होता है। अगर व्हाइट लाइट है तो वो सिंगल वेवलेंथ का नहीं होता है, उसमें अलग अलग 7 कलर्स का लाइट होता है अलग अलग वेवलेंथ वाला। तो स्टूडेंट्स अलग अलग वेवलेंथ होगा तो अलग अलग रिफ्रेक्टिव इंडेक्स होगा, अलग अलग वेवलेंथ होगा तो अलग अलग रिफ्रेक्टिव इंडेक्स होगा, और अलग अलग रिफ्रेक्टिव इंडेक्स होगा तो कन्वर्जिंग, बेसिकली आप बोल सकते हो बैंडिंग भी अलग अलग होगा। समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स? आया। और एक बार मैं लास्ट बोलूंगा कि स्टूडेंट्स वी नो दैट कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए मीडियम डिपेंड्स ऑन वेवलेंथ ऑफ द लाइट, ठीक है। और अगर अभी ऑब्जेक्ट से अगर व्हाइट लाइट आ रहा है तो क्या व्हाइट लाइट सिंगल वेवलेंथ का है? नो, उसमें बहुत कलर्स का लाइट है अलग अलग वेवलेंथ का, तो अलग अलग वेवलेंथ का अलग अलग रिफ्रेक्टिव इंडेक्स होगा, और अलग अलग रिफ्रेक्टिव इंडेक्स होगा, अलग अलग रिफ्रेक्टिव इंडेक्स होगा तो बैंडिंग भी अलग अलग होगा। समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स? आ रहा है? कोई प्रॉब्लम? नो। तो मान लीजिए ये रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस है, मैं यहां पे देख लीजिए आप, लेंस में का फॉर्मूला आप लोगों को याद है स्टूडेंट्स? यस, तो आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, आप देख सकते हो कि रिफ्रेक्टिव इंडेक्स चेंज हो जाएगा तो फोकल लेंथ चेंज हो जाएगा, और फोकल लेंथ चेंज तो बेंडिंग अलग बेसिकली। हाँ या ना? हाँ या ना? रिफ्रेक्टिव इंडेक्स अलग मतलब अलग अलग वेवलेंथ। तो यहां पे देखिए, ऐसे देखिए, हम लोग को पता है म्यू इक्वल्स टू सी बाय वी, और व्हाट इज वी? वी इज न्यू लैम्डा। तो रिफ्रेक्टिव इंडेक्स वेवलेंथ पे डिपेंड कर रहा है, तो अलग 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 लाइट मतलब अलग अलग कलर का लाइट, मतलब व्हाइट लाइट मतलब क्या? व्हाइट लाइट मतलब उसमें बहुत कलर्स का लाइट है। समझ में आ रहा है कि नहीं? वीव ग्योर 7 कलर्स है, ठीक है। व्हाइट लाइट आ रहा है तो अलग अलग वेवलेंथ, अलग अलग वेवलेंथ तो अलग अलग रिफ्रेक्टिव इंडेक्स, अलग अलग रिफ्रेक्टिव इंडेक्स तो अलग अलग फोकल लेंथ। समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स? तो बैंडिंग अलग अलग होगा, ठीक है। तो एक फॉर एग्जांपल मून का भी इमेज देखेंगे तो कलरफुल इमेज फॉर्म होगा और ब्लर्ड भी होगा। इसको कहते हैं स्टूडेंट्स क्रोमेटिक एबरेशन, जो कि सिर्फ और सिर्फ लेंस में ही होगा, मिरर में नहीं होगा। आप बोलोगे मिरर में क्यों नहीं होगा स्टूडेंट्स? क्योंकि मिरर में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का बात नहीं आएगा ना। मिरर में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आएगा? मिरर में तो रिफ्रैक्ट नहीं होता, मिरर में तो रिफ्लेक्ट होता है, तो उसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का बात नहीं आएगा। अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का बात ही नहीं आया तो क्रोमेटिक एबरेशन का बात नहीं आ सकता, ठीक है ना। बट स्फेरिकल एबरेशन लेंस और मिरर दोनों में हो सकता है, दोनों में हो सकता है। समझ में आया? तो स्टूडेंट्स समराइज कर देते कि क्या क्या लिमिटेशन है इसमें। एक, बड़ा अपर्चर के वजह से काफी हेवी, ठीक है, तो सपोर्ट करना मुश्किल। टू, इतना बड़ा अपर्चर वाला लेंस काफी बनाना काफी मुश्किल है, मतलब काफी एक्सपेंसिव है। नंबर थ्री, इमेज में स्फेरिकल एबरेशन होता है। नंबर फोर, इमेज में क्रोमेटिक एबरेशन भी होता है, ठीक है। तो छोटा छोटा पॉइंट अपने लैंग्वेज में लिख लेना, ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक है। So, इसी प्रॉब्लम्स को ओवरकम करने के लिए स्टूडेंट्स और एक टेलीस्कोप बनाया गया, जिसको हम लोग कहते हैं रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप, ठीक है, रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप। लास्ट वाला था रिफ्रैक्टिंग। स्टूडेंट्स अभी हम लोग डिस्कस करेंगे रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप के बारे में, कौन सा रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप, कैसे ग्रीन रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इसमें कोई डिराइवेशन वगैरह कुछ नहीं है, जस्ट आपको रे डायग्राम समझना है, ठीक है, यही हम लोग के सिलेबस में दिया हुआ है। नाउ स्टूडेंट्स दिस इज योर कैसे ग्रीन रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप, एकदम धीरे धीरे देखेंगे, कोई टेंशन नहीं है, बहुत ईजी है। सो ये एक
कंकेव मिरर है, ठीक है, दिस इज अ कंकेव मिरर, पैराबोलॉइडल, पैराबोलॉइडल कंकेव मिरर। तो इसको पैराबोलॉइडल क्यों लिखा मैंने, इसके शेप के वजह से, इसके शेप के वजह से, इसको एक पैराबोलिक जैसा शेप दिया गया, ठीक है, इसको जो शेप दिया गया कुछ पैराबोलिक शेप दिया गया, जिससे क्या होता है स्फेरिकल एवरेशन नहीं होता है, ठीक है, इसको एक पैराबोलिक जैसा शेप दिया गया जिसकी वजह से क्या होता है, जिसकी वजह से क्या होता है स्फेरिकल एवरेशन नहीं होता, और क्रोमेटिक एवरेशन का तो बात ही नहीं आता क्योंकि रिफ्लेक्शन है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो स्फेरिकल एवरेशन नहीं होता मतलब जो भी रेज है सब एक ही पॉइंट पे कन्वर्ज होगा, ठीक है, समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट नेक्स्ट, इस कंकेव मिरर में बीच में एक छोटा सा होल है, क्यू है, वो भी हम लोग बाद में देखेंगे, ठीक है। अच्छा, और एक बात, पैराबोलॉइडल कंकेव मिरर को प्राइमरी मिरर भी कहा जाता है, प्राइमरी मिरर भी कहा जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये है पैरेलल रेस फ्रॉम डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, आप लोग लिख सकते हो पैरेलल रेस फ्रॉम डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, दूर से आ रहा है, दूर से आएगा तो पैरेलल आएगा, ठीक है, ध्यान देते रहना फ्रेंड्स। तो ये आके इस मिरर के साथ हिट किया, उसके बाद रिफ्लेक्ट होके जा रहा था इस पॉइंट पे, रिफ्लेक्ट होके जा रहा था इस पॉइंट पे, बीच में और एक मिरर को रखा गया, एक छोटा सा मिरर को रखा गया, ये काफी बड़ा मिरर है, एक छोटा सा मिरर है, ठीक है, दिस इज अ कन्वेक्स मिरर, दिस इज अ कन्वेक्स मिरर, अब देख सकते हो स्टूडेंट्स, दिस इज कन्वेक्स मिरर, ठीक है, एंड दिस इज कनकेव मिरर, यह है कन्वेक्स मिरर, इसको सेकेंडरी मिरर भी कहा जाता है, इसको सेकेंडरी मिरर भी कहा जाता है, मैं ज्यादा छोटा हो गया स्टूडेंट्स लेकिन मैं बोल रहा हूं, आप लिख सकते हो दिस सेकेंडरी मिरर भी कहा जाता है, एंड इट इज अ कन्वेक्स मिरर, ठीक है स्टूडेंट्स, ध्यान देना है। अभी अगर आप स्टूडेंट्स इस मिरर को देखेंगे तो ये तो इंसिडेंट रे हुआ, इस मिरर को अगर देखेंगे तो ये सब तो इंसिडेंट रे हुआ, राइट, ठीक है, तो अगर ये इंसिडेंट रे है तो ये तो ऑब्जेक्ट हुआ, कैसा ऑब्जेक्ट फ्रेंड्स, वर्चुअल ऑब्जेक्ट, वर्चुअल ऑब्जेक्ट, ये सब मैंने पढ़ा था ना, ये इंसिडेंट रे बिफोर रिफ्लेक्टिंग या बिफोर रिफ्रेक्टिंग कहां पे जाके मीट कर रहा है, यहां पे, तो ये क्या हुआ, ये हुआ वर्चुअल ऑब्जेक्ट, तो इस मिरर को देखा जाए तो दिस इज वर्चुअल ऑब्जेक्ट, समझ में आया स्टूडेंट्स, आया। नेक्स्ट, रिफ्लेक्ट होके यहां पे फॉर्म हुआ फाइनल इमेज, यहां पे फॉर्म हुआ फाइनल इमेज, इसीलिए इसको यहां पे थोड़ा होल रखा गया जिससे कि यहां से रे निकल पाए, यहां पे हम लोग आईपीस रख पाए, समझ में आ रहा है, और यहां से हम लोग आंख रख के इमेज को देख पाए, समझ में आया स्टूडेंट्स। तो इसके लिए ये हुआ वर्चुअल ऑब्जेक्ट और ये हुआ इमेज, ठीक है स्टूडेंट्स, इतना ही, इसमें और फर्दर डिस्कशन नहीं चाहिए, हम लोग के सिलेबस में नहीं दिया हुआ, आप लोगों को टेलीस्कोप अच्छी तरह से समझ में आया होगा स्टूडेंट्स, ठीक है।